कोई जिंदा बंदा नहीं बोला, सब लोग गरियात हो रहे हैं। बाप बेटा गांव में घुमत हो एकदम जम गए हो ये जान। इन लोगों का नींद नहीं लग रहा है क्योंकि ये लोग ठेका ले रखे हैं दारा सिंह को जिताने के लिए। तो मेरा नाम भी सीमा रंजन बागी है, मैं भी दारा सिंह को नाराज हूँ, मेरा मैं भी असल बाप की बेटी नहीं। ओम प्रकाश का जितना बागी हूँ कुल पियक्कड़ हूँ। बागी पियक्कड़ वो चिलमबाज है, वो खूद है ओम प्रकाश राजा ना, वो चिलम। जब जब चिलम पीता है तब तब वो बोलता है, ऐसे नहीं बोले। अरुण राजभर कहते हैं कि राजभरन जाति में जाके आओ कुल जन बगिया में बुलवावत हूँ, लेकिन वोट कमल कहते हुए के कमल के तो उनका रूहे धंधा बा, कभी कमल के कभी साइकिल के, तो समाज उसके बाप का थोड़ी ना गुलाम है कि वो जहाँ कहेगा तहाँ वोट करेगा। समाज एकदम जाके मोहल्लों में क्या आप लोग बता रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या मोहल्ले? मोहल्ले में यही बता रहे हैं कि मकार झूठा गद्दारों से सावधान हो जाइए, ये लोग पलटने वाले हैं, कब पलट जाएंगे, इन लोगों का कोई ठीक नहीं है, चाहे वो दारा सिंह हो या ओम प्रकाश राजभर हो। ओम प्रकाश राजभर ठेका ले रखा है कि जब तक मैं दारा सिंह को जिताऊंगा नहीं, मैं मंत्री पद में जाऊंगा नहीं। उसको नहीं कहते गाँव गाँव में घुस के धूल फाक रहा है, उसको डर हो गया देखिए करिया गया उसका चेहरा कैसा, मेहनत कर रहा है जीत के लिए, आप लोग चमक रहे हो गांव घूम के। अरे तो मैं भी तो गाँव में घूम रही हूँ, मैं भी तो कैडर लगा के, मैं भी जन चौपाल लगा के, मैं भी दिन भर गंगवा में गई दूर ना पता था, वो कहते हम मेहनत करती राजभर जाति का आवाज हम उठाती लखनऊ से दिल्ली हम बतियावत है, वो बतियावत उनका बात में कोनो दम ना ही बा, वो केनियो आड़ा में बतियावे वो असल बाप के बेटा रहते तो पूरा खुल्ला में बतिये, वो क्या बतिये। तो कहते असल बाप का बेटा ना रहे तो सफाई ना भेजे, असल बाप के हमू बेटे ही ना हमू अगर ना हूँ करके फतेहपुर से बाहर कभी मेरा नाम सीमा राजभर बागी नहीं जी और नहीं। तो आप लोग गांव में जा रहे हैं क्या बता रहे होंगे ओम प्रकाश राजभर, बता रहे हैं कि हम लोगों को समाज का हक अधिकार दिलाना है, सिपाही दरोगा बनाना है, यादव एकदम परेशान कर दिए हैं, अपना हक लेना है। वो झूठा हो क्या हक दिलाएगा समाज का, वो तो सिर्फ समाज को बेचने का काम किया, मुड़ी गिना के वो अपना लिमिटेड कंपनी चला रहा है, वो कोई ना ही हक दिलाएगा और ना ही किसी को बिजली बिल माफ करेगा, ना ही दारू बंद कराएगा, वो चिलम साइड से बेचवाता है जी। ओम प्रकाश नेता दारू बेचत पकड़ा के लेना अम्बेडकर नगर में 16 किलो क्या बोलते गांजा, जब वो सत्ता में गया हम लोगों से वादा किया कि हम लोग दारू बंद कराएंगे, बिजली बिल माफ कराएंगे, बच्चों की अच्छी शिक्षा एक समान शिक्षा करवाएंगे, क्या करवाया गया अपने दादा के पार्टी में, क्या करवाया महिलाओं का हक हिस्सा दिलवा दिया, बिजली बिल माफ करवा दिया। हम पूछते हैं ओम प्रकाश राजभर से, हमारा सामना ओम प्रकाश राजभर नहीं करेगा, वो झूठा मकार। बगलिया में तो हम एजेंट कैंप लगौले हूँ, कहते हो कि जब सरकार में मंत्री रह जी तबे तो कुछ काम हम हुई, अखिलेश ठग रहे अखिलेश से बदला लेवे के उपचुनाव में, अखिलेश वो क्या बदला लेगा, उसका गाड़ी में तेल भरवाने का पैसा नहीं था तब जाके उस सत्ता में गड़िया में तेल भरा, अखिलेश कहा सीमा इतना नाराज है। अरे हम नाराज ही, बड़ी बड़ा गद्दार है ना, हमारे समाज से बहुत बड़ा गद्दारी कर रहा है, क्यों ना नाराज होंगे, कहा गद्दारी, हम जीते जी समाज से कभी गद्दारी नहीं होने देंगे, महिलाओं से तो बिल्कुल गद्दारी नहीं होने देंगे, क्योंकि उसकी पार्टी महिलाओं से ही आगे गई है और हमारे महिलाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है, सिखाता है झूठा कि गांव में जाएंगे तो जब दारू बंद करने की बात कहूंगा ना तो महिलाएं हमने पार्टी की तरफ से आएंगी, हमारी पार्टी की तरफ पूरा आकर्षित होंगी, अरे झूठा मैं भी खड़ी हो गई महिलाओं को मैं भी जगा रही हूँ, ना तू दारू बंद करवाएगा तेरे से कुछ नहीं होगा, अगर असल बाप का अगर बेटा है ओम प्रकाश राजभर और उसका अरुण राजभर तो ST आरक्षण दिलवा दे, महिलाओं का हक हिस्सा दिलवा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगी और उसके पार्टी में चली जाऊंगी, उसका साथ में खड़ा हो जाऊंगी, उसे कुछ नहीं होगा। अमित शाह के यहाँ फाइल्स वही खाती बातें करनी है, मोदी अमित शाह से बात होता, अब नीचे बात ना होता लखनऊ, अब सीधे दिल्ली बात होता, तो दिल्ली बात होता, अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य कहलाला, अगर सच्चा अगर ओम प्रकाश रहता ना तो योगी जी क्या कहे ना चल गए काल भीख मंगावत रहो, खुदे गए भीख मांगे उनका नहीं, थेथर नेता बेहाया नेता है, पूरा पूर्वांचल में नहीं जी। अच्छा ये बताओ कुछ जितना तुम बागी भाई तो लोग की स्थिति का बा, हमारी स्थिति बहुत बेहतरीन बा, हमारा पार्टी के बहुत बेहतरीन बा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पियकड़ बनाता है उसका जवाब 5 तारीख के बाद में देते हैं। तो हम लोग का उम्मीदवार कहाँ के लिए अरविंद, हमारे उम्मीदवार के वो तो खुदे डर के हमारे का अपराध की हमारे एक समाज का बेटा लखनऊ पंचायत में पहुँचेगा तो हम खुदे और ढीला हो जाएंगे, तो खुदे बेचारा दिमाग का ढीला हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अरविंद के परिचय
पर्चे खारिज करा दिए। तो कैसे तो हम लोग लड़ पाएंगे पर्चे खारिज? अरे तो हम है ना अखिलेश जी के साथ में, हाँ वो बीजेपी के साथ जा सकता है तो हम अखिलेश जी के साथ नहीं जा सकते, वो बीजेपी के लिए लड़ सकता है झूठा मका तो हम अखिलेश जी के साथ नहीं लड़ सकते जी। क्या लग रहा है कि अखिलेश दिलवा देंगे हक आप लोगों का? बिल्कुल दिलवा देंगे, सत्ता में उसको सत्ता में हो जाएंगे तो जरूर दिलवा देंगे। चलिए अच्छा काम कौन किया है जी अखिलेश जी जैसा, कौन काम किया है इतना आप नहीं देखते हैं? तो क्या लग रहा है कि ये जो तारा हैं ये तो चिल्ला रहे हैं कि ओम प्रकाश भैया और हमंक संजय भैया मिल गए लिंजा एकदम जीत जाए जी, तारा एकदम आश्वस्त हो? भाकर भाकर बोलला से ना हो जाला, दिमाग के ढीला हो गए वाले लोग, दिमाग काम करत बा ना, मुँह से भाकर भाकर खाली बोला था, जीत के दिखाओ तो पूरा जनता एकदम साफ किया सुधाकर जी के साथ। वो लोग शपथ ग्रहण खातिर विभाग तय कर दिले हाँ तू जीत कर एकदम ओहनिए लोग के जूता ओहनिए लोग के गाल कर दिले भी भाजपा लोग के समझ में आवत बा ना खेला हो एकदम खेला हो ओम प्रकाश राजभर के खदेड़ा भी हम कर सीमा कर नहीं खदेड़ा एकदम खदेड़ा हम कर ना। और भाजपा का बड़का बड़का मंत्री कुलमार हुटर से चलता है, वो मंत्री का यहाँ के वोटर है क्या? यहाँ के वोटर थोड़ी है, वोटर साथ में चलता है। देखिए सुधाकर जी के साथ कितने वोटर चल रहे हैं हमारे पीछे पीछे, वोटर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। आप लोग वोटर हैं भैया?